नमस्ते बालाजी हिंदी तारों में, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। यदि जो लोग सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले आप रिश्ते में थे लेकिन अभी कोई रिश्ता नहीं है, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, और रिश्ते में होकर भी अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और क्रॉस वाचर भी इसे देख सकते हैं। ये रीडिंग होगी 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, एक्वेरियस देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। पास्ट से अगर कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसे रहेगा, नया कोई आ रहा है तो उनका एनर्जी कैसे रहेगा, और साथ में यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्वेरियस फाइव ऑफ कप्स, पास्ट में मुझे लगता है किसी ने आपको डिसअपॉइंटेड किया है, कोई या तो आपने किसी को छोड़ा है या फिर किसी ने आपको छोड़ा है, आपको छोड़ के किसी और को चूज किया। किसी की बातों से, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि रिश्ते में थे लेकिन कुछ किसी की बातों से आप खुद को दुखी पाए हैं, उनकी बातें आपको परेशान कर रहा था। ऐसा नहीं कि वो पर्सन आपको सिर्फ नेगेटिव बातें ही बोल रहा था, अच्छी बातें भी बोल रहा था या बोल रही थी, लेकिन आपको उनमें सिर्फ नेगेटिविटी को आपने देखा, आपके दिल को ठेस लगा। ऐसा भी हो सकता है पास्ट में जो भी चीजें आपने सोचा था वो आपके साथ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाइड थे, डिसअपॉइंटेड थे, दुखी थे, परेशान थे, मेंटली तौर पे आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। कभी कभी आपने, हो सकता है आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा था वो आपको नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से भी आप डिसअपॉइंटेड थे। कुछ भी ऐसी चीजें घटी होगी पास्ट में जो आपको पूरी तरीके से दुखी, अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड करके रखा था पास्ट में। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। एक्यूरियस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई फाई एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। प्रेजेंट में आप अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करना चाहते हो, ग्रूमिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में, किसी नए पर्सन का एंट्री, नए रिश्ते, नए जॉब, नए बिजनेस, मतलब पूरी तरीके से अपनी पावर अपने हाथों में है आपका। जो हो चुका उन चीजों से खुद को बाहर निकालना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, पूरी तरीके से लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाए, स्लोली बट श्योरली लाइफ जो है स्टेबल बन जाए, धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ चले जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, रिश्ते में स्टेबिलिटी मिले,
पूरी तरीके से आप अपना जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे इनहेंस कर रहे हो और अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में आप लेना चाहते हो अभी। और आप किसी के वजह से खुद को खुश रखना, किसी की वजह से खुद को दुखी रखना, ये सब आप नहीं चाहते हो। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। एक्यूरियस, क्वीन ऑफ कप्स डेफिनेटली कोई आ सकता है आपके लाइफ में पास्ट से। वही बंदा या बंदी आ सकता है जो अपने एनर्जीज को, जिन्होंने अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि यह हमेशा आपके लाइफ में एंट्री लेने के बारे में ही सोच रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया था या फिर आपने किए थे, तो वो पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आने की चांसेस है। जो पूरी तरीके से स्टेबल है, अपने पैरों पे खड़ा है लेकिन इमोशन बहुत कंट्रोल करता है, स्टेबल बंदा या बंदी, एक जिसकी ओरा है, ओदा है जिसके, और जो हमेशा स्टेबिलिटी को ही मानता है, अपने इमोशन को कंट्रोल करता था या करती थी। उनको लगता है कि या तो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है या तो आपके साथ, तो वही बंदा या बंदी आपके लाइफ में आने के चांसेस है। देख लेते हैं क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। द एम्प्रेस नए भी आ सकते हैं, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनके साथ आप बात करते हो, जिनकी खूबसूरती या जो बहुत ज्यादा हैंडसम है आपके नजर में, जिन जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जो खुद स्टेबल है, स्टेबिलिटी है जिनके पास, पूरी तरीके से स्टेबल बंदा या बंदी, जिनके पास फाइनेंशियल अबंडन है, जो ग्रोथ है जिनके पास, जो आपके साथ, जिनके साथ आप शादी के बारे में भी सोच सकते हो, जो दूसरों को भी अट्रैक्ट कर सकता है ऐसा बंदा या बंदी, जो हमेशा अपना ख्याल रखता है या ख्याल रखती हैं, जो पूरी तरीके से स्टेबल है, खुद को ग्रूमिंग करती रहती है हमेशा या करता रहता है, जैसे सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंस होना, ऐसा कोई बंदा या बंदी जिनके पास पूरी तरीके से स्टेबिलिटी है और जो किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और आप भी इस बंदा या बंदी की प्रति अगर अट्रैक्टेड हो तो डेफिनेटली ऐसा कोई आपके लाइफ में आ रहा है जो नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो नए पुराने दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लाइफ में दोनों आएगा, और जो नए लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आ सकता है जो फाइनेंशियली स्टेबल है, पूरी तरीके से स्टेबल है, जिनके पास ग्रोथ है, अबंडेंट है, जो खुद को ग्रूमिंग करना जानते हैं, ऐसा कोई आपके लाइफ में आ सकता है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। एक्यूरियस, वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपको अपने सोच को बदलना पड़ेगा। जैसा आप सोच रहे थे उससे अलग सोचिए, यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट कीजिए, अपने लिए नया कुछ सोचिए। जो घिसा पीटा, जो सर्कल आपके लाइफ में चल रहा था वो खत्म होने जा रहा है। बहुत अच्छी चीजें आपको मिलने वाली है, ग्रोथ आ रही है आपके लाइफ में, नया कुछ शुरू होने जा रहा है, और साथ ही साथ आप जो हो कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ नए चीजें को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। आपको फाइनेंशियल अबंडेंट के साथ साथ मुझे लगता है स्पिरिचुअल एकनिंग भी होगी आपके लाइफ में, तो खुद को उस तरीके से तैयार करें, नए चीजों के बारे में सोचें। जैसे कि सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं, पूरे पास्ट की जो आपकी एनर्जी थी वो था
थोड़ा सा नेगेटिव था, बाकी सारे कार्ड पॉजिटिव है। आपको पॉजिटिविटी की तरह, नए चीजों की तरह खुद को ले जाना चाहिए तरफ, और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, ग्रूमिंग कीजिए, और अपने लिए नया कुछ मैनिफेस्ट कीजिए जो आपके लिए सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।